गाइस आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ्लैश लाइट। और तो फ्लैश लाइट गाइस बनाने के लिए हमें एक इस तरीके का कंटेनर चाहिए। तो मैंने एक इस तरीके का कंटेनर बना लिया है गाइस, साइड साइड सिल्वर पेपर लगा के, देख सकते हो आप। इस तरीके का मैंने एक कंटेनर बना लिया है और इस तरीके का हमें एक 9 वाट का बल्ब चाहिए। तो गाइस ये जो बल्ब है हमारा मात्र 10 रुपये का है, तो आज 10 ही रुपये में हम बनाएंगे फ्लैश लाइट। तो ये 220 वाट में लग जाता है आराम से। तो अब हम इस लाइट को इस होल में से निकाल लेते, मतलब इसके वायर को इस होल में से निकाल लेते हैं। तो गाइस मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो गाइस देखो इस तरीके से हम इस लाइट को बाहर निकाल लिए हैं और इस लाइट को हम डबल टेप की मदद से यहाँ पर चिपका देते हैं, और नहीं तो या तो आप सेलो टेप से, नहीं यहाँ पे दो पेच लगा के भी हम इसे टाइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब चलो हम इसमें वायर जो है अपना बड़ा वाला वायर उसे जोड़ लेते हैं, फिर हम इस फ्लैश लाइट को आपको ऑन करके दिखाएंगे कि जब हम इसे जलाएंगे तो ये कितना ज़्यादा रोशनी देगा। इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। देखो गाइस इस तरीके से मैंने फ्लैश लाइट को बना लिया है और यहाँ पे देखो पेच मैंने लगा दिया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब चलो हम इसे दिखाते हैं कि ये जो मेरा फ्लैश लाइट है कितना ज़्यादा रोशनी करेगा जब हम इसे जलाएंगे। तो चलो गाइस हम इसे जलाते हैं। तो लेकिन उससे पहले मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलो अब हम इसे जला के आप लोग को दिखाते हैं ये कितना ज़्यादा रोशनी करेगा जब हम इसे जलाएंगे। तो देखो गाइस हम इस तरीके से फ्लैश लाइट को रख दिए हैं और अब चलो हम इसे ऑन करते हैं और फिर देखना कितना ज़्यादा ये ब्राइटनेस देगा। तो देखो गाइस मेरा जो फ्लैश लाइट है कितना ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, जैसा कि गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।